नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करेंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका ईयरली मैगजीन है। ये एक साल का ये करेंट अफेयर्स दिया गया है इसमें, और ये वार्षिकांक है फरवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 तक का। और ये मैगजीन जो है आपका 1 फरवरी 2022 तक का अपडेट किया गया है, ठीक है। और ये आपका फरवरी का लेटेस्ट किताब है, और इस किताब में हम लोग जो है 600 MCQ जो दिया गया है आपका टोटल 30 सेट्स में, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। उसको हम लोग उस क्वेश्चन को बना रहे हैं, हल कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो हम लोग सेट बनाने जा रहे हैं वो है सेट नंबर 10। तो एक ये आपका किताब का फ्रंट कवर है, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 10। तो सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने सेट नंबर 10 आ गया। तो सेट नंबर 10 का पहला क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2022 को कौन सा सेना दिवस मनाया गया। तो कैनवा सेना दिवस मनाया गया। तो 15 जनवरी 2022 को कौनवा सेना दिवस मनाया गया। ऑप्शन ए 17वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 78वां, ऑप्शन डी 80वां। आपको बताना है ये कौन सा इसमें होगा, फिल इन द ब्लैंक में। तो पहला का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 74वां। तो 15 जनवरी 2022 को 74वां सेना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी श्रीलंका को हराकर किस देश ने जीता है। ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो सेकंड करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत, ठीक है, भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2022 को 25वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी ले, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी। तो पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 12 जनवरी 2022 को 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन पुडुचेरी में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का क्या नाम है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए अर्जुन, ऑप्शन बी दमन्ना, ऑप्शन सी रुद्र, ऑप्शन डी चंद्रशेखर। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रुद्र। तो भारत के पहले स्वदेशी सर्वर का नाम रुद्र है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिहार विभूति सम्मान 2021 में से किसे सम्मानित किया गया। तो बिहार विभूति सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए रोहित कुमार, ऑप्शन बी विकास वैभव, ऑप्शन सी निशा कुमारी, ऑप्शन डी सौरभ त्रिवेदी। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रोहित कुमार। तो बिहार विभूति सम्मान 2021 से रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ई प्रशासन पर 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी जोधपुर। तो आपको बताना है 6 का राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 7 है, अमेजन के सीईओ कौन बने। तो अमेजन के सीईओ कौन बने, ऑप्शन ए मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन बी एरिक श्रीमट, ऑप्शन सी टिम कुक, ऑप्शन डी एंडी जेसी। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एंडी जेसी को बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार 2021 से किसे दिया गया है। तो गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है। ऑप्शन ए डॉक्टर एस के सोहन राय,
ऑप्शन बी निरोध कुमार बरुआ, ऑप्शन सी बेजवाड़ा गोपाल, ऑप्शन सी डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। तो एक करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी निरोध कुमार बरुआ। तो गोपीनाथ बरदलोई पुरस्कार 2021 निरोध कुमार बरुआ को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड राज्य सरकार ने किसे किसे राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने जो है किसे राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऑप्शन ए कंगना रनौत, ऑप्शन बी अजय देवगन, ऑप्शन सी मानुषी छिल्लर, ऑप्शन डी ऋषभ पंत। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऋषभ पंत को बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट्स जर्नी के लेखक कौन है। तो नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट्स जर्नी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए सलमान खुर्शीद, ऑप्शन बी असीम चावला, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति, ऑप्शन डी प्रदीप मैगजीन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रदीप मैगजीन। तो नॉट जस्ट क्रिकेट ए रिपोर्ट्स जर्नी के लेखक हैं प्रदीप मैगजीन। क्वेश्चन नंबर 11 है, पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किस राज्य में किया। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो आपको बताना है 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा में किया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंपली फाइव ठीक है। तो इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंपली फाइव का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है। ऑप्शन आपका ऊपर दिया गया है, ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी मेटा। तो इजरायली साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंपली फाइव का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी एप्पल, ऑप्शन डी मेटा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी गूगल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, खबरों में रहा त्रिकोमाली टैंग फॉर्म किन देशों से संबंधित है। तो खबरों में रहा त्रिको माली टैंक तेल टैंक फार्म किन देशों से संबंधित है। ऑप्शन ए भारत व श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत व भूटान, ऑप्शन सी भारत व नेपाल, ऑप्शन डी भारत व मालदीव। तो आपको बताना है 13 का राइट आंसर क्या होगा। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत व श्रीलंका। तो भारत व श्रीलंका का त्रिकोमाली तेल टैंक फॉर्म है ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता दो हजार इक्कीस का खिताब किस देश ने जीता है। तो डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब किस देश ने जीता है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी क्रोएशिया। तो आपको बताना है 14 का राइट आंसर क्या होगा। तो चौदह का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी रूस। तो डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब रूस ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी जिनका निधन हो गया। ऑप्शन ए चंद्रा नायडू, ऑप्शन बी शारदा मेनन, ऑप्शन सी नीना गुप्ता, ऑप्शन डी सिंधुताई सपकाल।
15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी शारदा मेनन। तो भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक शारदा मेनन थी, इनका इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य में पारंपरिक भैंस दौड़ कम्बाला का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में पारंपरिक भैंसा दौड़ कम्बाला का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 16 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 17 है, सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति की गठित की है? ऑप्शन ए सुधीर सक्सेना कमेटी, ऑप्शन बी इंदिरा नोई कमेटी, ऑप्शन सी डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते, ऑप्शन डी आर बी रविंद्रन कमेटी। तो आपको बताना है 17 का राइट आंसर क्या होगा। तो 17 का राइट आंसर है आर बी रविंद्रन कमेटी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आर बी रविंद्रन कमेटी की अध्यक्षता में पेगासस मामले की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति की गठित किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो आपको बताना है कि आपका जो दिया गया है डिक्शनरी में कौन सा वर्ड जो जो इस साल बना है, ठीक है, चर्चित वर्ड, तो इसमें कौन सा सही है? पहला है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का ब्रेक्स है, मरियम वेबस्टर का वैक्सीन, कॉलिन डिक्शनरी का एनएफटी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है परसिवियरेंस और डिक्शनरी डॉट कॉम एलिसिव। तो आपको बताना है पांचों में से राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है सभी सही सुमेलित है, ऑप्शन बी है 1 2 4 5 सही है, ऑप्शन सी है 2 3 4 5 सही है, ऑप्शन डी है 3 और 5 सही है। तो आपको बताना है पांचों चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। तो अठारह का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सभी सही सुमेलित है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वैक्स है, ठीक है, ऑक्सफोर्ड का वैक्स, एक मिनट, मैरियम का वैक्सीन, कॉलिंस का एनएफटी और कैम्ब्रिज का है पर्सिवियरेंस और डिक्शनरी डॉट कॉम का है एलिसिव। ठीक है, तो इस प्रकार ये पांचों सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र कौन सा देश बना है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी वियतनाम, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। आपको बताना है कि 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है मिस्र, ऑप्शन नंबर बी मिस्र है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य राष्ट्र मिस्र देश बना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइसोमॉर्फिक लैब्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो आइसोमॉर्फिक लैब्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए फाल्गुनी नायर, ऑप्शन बी राधिका झा, ऑप्शन सी डेनिस हासाबिस, ऑप्शन डी जोप अलाडिस। तो 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डेनिस हासाबिस। तो आइसोमॉर्फिक लैब्स का मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेनिस हासाबिस को जो है नियुक्त किया गया है। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 10 का 20 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।